मेरा वीज़ा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया हूँ। बट मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ, मैं किसी भी हालत में अपनी आयशा को हासिल करके बताऊँगा। देखिए, मुझे आयशा का जब से मैंने वीडियो देखा था तो मुझे लग रहा था मेरी ज़िंदगी में बस ये आयशा ही हैं, इनको मुझे किसी भी हालत में कुछ भी करके हासिल करना है। तो उसकी मैं पूरा प्रोसेस में चला गया था, उसके बारे में काफ़ी मैंने स्टडी करी कि कैसे करूँ क्या करूँ। फिर एक मेहर अमाउंट होता है जो हमारा एक फॉर्मेलिटी होता है निकाह का, तो वो इंसान अपने हिसाब से उसको तय करते हैं। तो मैंने 15 लाख का मेहर उसमें कहा था कि हाँ मैं 15 लाख अदा करूँगा, जो काफ़ी पूरी दुनिया ने देखा। बट कुछ लोग उसमें भी मुझे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि कुछ ही दिन में आयशा ने करोड़ों कमा लिए थे, तो 15 लाख रुपये एक छोटा अमाउंट है। तो फिर मैंने सोचा कि 15 लाख नहीं, मैं 25 लाख भी दे सकता हूँ मेहर, ताकि 15 लाख नहीं मैं 25 लाख भी दे सकता हूँ मेहर। पैसे का कोई बात नहीं है, मनी इज़ नॉट अ मैटर, मनी इज़ नॉट अ मैटर, मुझे आयशा किसी भी हाल में चाहिए। आयशा है वो मेरी जान है, मैं आयशा को लेने जा रहा हूँ लाहौर पाकिस्तान। अभी मेरे पास पासपोर्ट वीज़ा सब फॉर्म है, आपको दिखा देता हूँ अभी मैं, और मैं उनसे निकाह करने जा रहा हूँ और उनको अपनी बेगम बना के बॉम्बे वापस लेके आने वाला हूँ। आयशा के साथ आपकी मुलाकात कैसे हुई और ये कॉन्सेप्ट आपका कैसे आया, कुछ बताना चाहेंगे? जी देखिए, जब से उनका वीडियो वायरल हुआ है लता जी का, जब से मैं उनको देख के बहुत एक्साइटेड हो गए, आप ये कह सकते हैं मैं बहुत पागल हो गए हैं। और मैंने ठान लिए कि कुछ भी हो जाए, कोई भी ताकत मुझे रोके, मैं आयशा से निकाह करके लेके आऊँगा। इसलिए मेहर का मैंने अनाउंसमेंट इसलिए किया था कि वो ऐसा नहीं था कि मैं किसी को पैसे देना चाहता हूँ, या कुछ लोग गलत ट्रोल कर रहे थे, उनको उसका नॉलेज नहीं थी कि मुस्लिम समाज में मेहर अमाउंट होता है जो एक लड़की की सेफ्टी के लिए अमाउंट होता है। वो मैंने 15 लाख रुपीज़ देने का कहा था, बट अनफॉर्चुनेटली आज जो मैं सुबह मॉर्निंग से मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस हूँ, उसका रीज़न ये है कि मेरा वीज़ा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया हूँ। बट मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ, मैं किसी भी हालत में अपनी आयशा को हासिल करके बताऊँगा। नहीं तो आयशा को ये 15 लाख देने का कहाँ से ख्याल आया, और क्या आकर्षक लगा आयशा में, उसके जो पॉपुलैरिटी में क्या आपको लगा कि आप उसको पैसे दें या उसके साथ जुड़े हैं? देखिए, मुझे आयशा का जब से मैंने वीडियो देखा था तो मुझे लग रहा था मेरी ज़िंदगी में बस ये आयशा ही हैं, इनको मुझे किसी भी हालत में कुछ भी करके हासिल करना है। तो उसकी मैं पूरा प्रोसेस में चला गया था, उसके बारे में काफ़ी मैंने स्टडी करी कि कैसे करूं क्या करूं। फिर एक मेहर अमाउंट होता है जो हमारा एक फॉर्मेलिटी होता है निकाह का, तो वो इंसान अपने हिसाब से उसको तय करते हैं। तो मैंने 15 लाख का मेहर उसमें कहा था कि हाँ मैं 15 लाख अदा करूँगा, जो काफ़ी पूरी दुनिया ने देखा। बट कुछ लोग उसमें भी मुझे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि कुछ ही दिन में आयशा ने करोड़ों कमा लिए थे, तो 15 लाख रुपए एक छोटा अमाउंट है। तो फिर मैंने सोचा कि 15 लाख नहीं, मैं 25 लाख भी दे सकता हूँ मेहर। पैसे का कोई बात नहीं है, मनी इज़ नॉट अ मैटर, मुझे आयशा किसी भी हाल में चाहिए। मेहर अमाउंट उनके लिए अच्छा है, और मैं किसी भी हाल में आयशा को हासिल करके बताऊँगा। जो भी पाकिस्तान ने मेरे साथ किया है, वो चाहते हैं मैं वहाँ नहीं आऊँ, आयशा से निकाह नहीं करूँ, लेकिन मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। मैं पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि फैज़ान अंसारी पूरे पाकिस्तान पर अकेला भारी है। अब मैं वो करके बताऊंगा जो आज तक पूरे इंडिया के इतिहास में नहीं हुआ है। आज यहाँ पूरा मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ जुहू में मुंबई में हो रही है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अब मैं वो करने वाला हूँ जो इंडिया के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। ये बताइए, पाकिस्तानी है आयशा, आप एक हिंदुस्तानी है, हमारा जो रिश्ता है पाकिस्तान से बिल्कुल अच्छा नहीं है, खराब रिश्ता है जी। आप एक पाकिस्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लग नहीं रहा है कि कुछ विवाद होगा या यहाँ के लोग का जो जज्बात है उस पर ठेस पहुँचेगी? देखिए, मुझे ये नहीं लगता है कि कुछ विवाद होगा या कंट्रोवर्सी होगी। मेरा नाम अक्सर लोग कंट्रोवर्सी से जोड़ देते हैं कि फैज़ान अंसारी अगर मीडिया के सामने आ रहा है तो उसको कंट्रोवर्सी के साथ वो कनेक्ट कर देते हैं। बट मुझे लगता है कि एक जो प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानती है। और अगर मैं आयशा को इंडिया लेके आता हूँ तो फिर वो एज अ इंडियन बन के मेरे साथ यहाँ पे रहेंगी, उनको इंडियन नेशनलिटी में दिलवा सकता हूँ, मैं इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो अगर वो एज अ इंडियन यहाँ पे रह रही हैं तो आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं, अगर वीज़ा नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान किसे जाएंगे आयशा से मुलाकात करें? करेक्ट। और वहाँ के लोग भी आपको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, उनका क्या रवैया उसके बारे में बताइए। देखिए, वीज़ा तो उन्होंने मेरा रिजेक्ट किया है, बट वीज़ा भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकता है। अगर आप कुछ बड़ा लाइफ में करने का सोचते हैं तो आपको हर चीज़ छोटी नज़र आती है। तो मैं थोड़ा सा, मुझे सुबह मॉर्निंग में 10 o'clock जब मेरी टीम ने इन्फॉर्म किया था कि आपका वीज़ा अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हो गया है, तो मैं काफ़ी टेंशन में आ गया था। बट उसके लिए भी मैं अभी वर्किंग मेरा चल रहा है, मेरी टीम बहुत उस पर मेहनत कर रही है कि उसका भी सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं। और अभी मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो पाकिस्तान ने एक्शन लिया उसके अगेंस्ट, कि पूरी दुनिया का इतिहास बनेगा। किसी भी इंडियन या पाकिस्तानी ने आई थिंक ना कभी वो देखा होगा, ना सोचा होगा, इनफैक्ट कभी सोचा भी नहीं होगा, ना बोला होगा ऐसा। अभी मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ बहुत जल्दी। उसके लिए प्लीज़ यू हैव टू वेट फॉर 2 days और 3 days, बट मैं सब चीज़ें अभी पूरी दुनिया के सामने आएंगी। और आपने देखा होगा कि
ऑलमोस्ट 20 मिलियन से ज़्यादा लोग मेरा वीडियो देख चुके हैं, वायरल हो चुका है, कब मैंने सोचा नहीं था। सो आप ये कह सकते हैं कि फैज़ान अंसारी की लाइफ 2-3 दिन में काफ़ी चेंज हो गई है और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, जो नहीं कर रहे हैं उनको बता दूँ मेरा इंस्टा हैंडल है faizan.bollywood। प्लीज़ आपका मुझे प्यार चाहिए और सपोर्ट करिए और मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ और मैं अपनी मंजिल हासिल करके रहूँगा। ये बताइए कि आप आयशा को पाना चाहते हैं या उसे रिश्ता जुड़ना चाहते हैं, ये अच्छी बात है क्योंकि क्या है रिश्ता शायद अगर जुड़ता है तो पाकिस्तान हिंदुस्तान से जुड़ा रिश्ता है। कितना एक अच्छा संदेश जाएगा लोगों को कि हमें प्यार करना चाहिए जात बिरादरी देश और ये सब। आपको देखिए सभी एक हैं, पाकिस्तान भी पहले इंडिया का पार्टी था, बाद में अलग हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें कुछ अलग हैं। और मैं इस रिश्ते को कायम करके इंडिया पाकिस्तान को एक मैसेज देना चाहता हूं कि सब एक ही हैं और एक इंडियन भी पाकिस्तानी से शादी कर सकता है और उनको इंडिया ला सकता है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक मुझे जितने मैसेजेस आ रहे हैं, तो आई एम रियली सॉरी मैं शायद किसी मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि हज़ारों मैसेजेस आ रहे हैं, किस किस का रिप्लाई दूँ मैं, तो उसके लिए तहे दिल से सबको सॉरी अगर मैं किसी को रिप्लाई दे नहीं पा रहा हूँ। बट मैं जानता हूँ आप लोग क्या पूछना चाहते हैं कि मैं आयशा के पास जाऊँगा या नहीं। मैं आयशा को अपना बना के ही दम लूँगा, पाकिस्तान या दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। इसके अलावा जिसे कोई गलत करता है उसके खिलाफ कदम उठाते हैं। राइट, अभी हाल फिलहाल में शर्लिन को बेल मिला है। राइट, उस केस में उसके अंदर आपके खिलाफ है, देखिए मेरे हिसाब से तो अभी जो कोर्ट जो फैसला लिया, ऑफ कोर्स वो एंड ऑफ द कोर्ट का फैसला होता है तो वो फैसला बिल्कुल ठीक है, बट मुझे ये लगता है कि कुछ भी गलत होगा तो फैज़ान अंसारी उसके अगेंस्ट हमेशा आएगा। अभी ये मेरे कुछ पर्सनल चीज़ें चल रही हैं, जो मुझे लोगों से प्यार मिल रहा है, जो इतने लोग पूरे करोड़ों लोग मेरा वीडियो देख चुके हैं और लोगों का जो प्यार आ रहा है वो मैं समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं उनसे कैसे शुक्र अदा करूँ। और इस चीज़ को अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ गया है लोगों का प्यार देख के। लोग ट्रॉल भी कर रहे हैं, सब अपने हिसाब से उसको बोल रहे हैं, बट मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अभी और हाई हो गया है और मैं 2-3 दिन में एक बहुत बड़ा स्टेप उठाने वाला हूं जो एक मिसाल बनेगा इंडिया पाकिस्तान के लिए। कुछ कहना चाहेंगे कि कितना जरूरी है हमें प्यार करना, भले ही पाकिस्तान के लोग हों, हिंदुस्तान के हों या दूसरे देश में, ये जो देश के बीच में चलता है ये तो राजनीतिक चीज़ है। राइट, तो वो चीज़ भूल के कितना जरूरी है आपस में अच्छे रिश्ते रखना, भाईचारा रखना। देखिए बहुत ज़रूरी है, ये जो 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 भी राजनीति हो रही है वो अलग चीज़ है, बट अगर आपको किसी से प्यार है तो मुझे लगता है कि आपको खुल के सामने आना चाहिए। जैसे मैं आया हूँ और पूरी दुनिया देख रही है, मुझे हज़ारों लाखों मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, तो मुझे 2-3 दिन में इतना लोगों ने वायरल कर दिया है, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे लोगों का शुक्रिया अदा करूं, कैसे थैंक यू बोलूं। बट मुझे लगता है कि प्यार अगर आपको किसी से है तो वो आपको दुनिया के सामने लाना चाहिए। सो बस लास्टली कहना चाहूँगा कि जो लोग जो ऑडियंस हैं, पूरे दुनिया के ऑडियंस हैं, करोड़ों जो लोग हैं जो मिलियंस में मुझे देख रहे हैं, मेरा वीडियो सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनका शुक्रिया। और उनको बहुत जल्दी एक ऐसी न्यूज़ मिलने वाली है जो आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ है, तो आप प्लीज़ फैज़ान अंसारी को फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर, faizan.bollywood मेरा इंस्टा हैंडल है। बहुत जल्दी आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी जो किसी ने दुनिया में आज तक देखी नहीं होगी, तो प्लीज़ उसे भी शेयर करिए। आप लोगों का प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।